सेकेंड टर्म डे 25 यूनिट नंबर 11 में आज हम करेंगे पेज नंबर 131 और 132। 131 में देखें टू क्वेश्चन नंबर टू है, सर्कल द करेक्ट नंबर ऑफ कॉइन्स और नोट। वो कह रहे हैं कॉइन्स को नोट को सर्कल करना है टू एक्सचेंज फॉर गिवन वैल्यूज़। आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, आपने इसे कॉइन्स में या नोट्स में सर्कल करना है, चेंज करना है। अब देखिए वो सबसे पहले आपको कह रहे हैं टू एक्सचेंज फॉर रुपीज़ 10। टू के कॉइन्स दिए गए हैं, वो आपको कह रहे हैं इसको 10 में चेंज करना। तो हम कितने कॉइन्स सेलेक्ट करेंगे, 2 में 2 ऐड किया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि हम लोग टोटल 5 कॉइन्स को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक 10 रुपीज़ बनेंगे। तो हम लोगों ने कितने कॉइन सेलेक्ट किए थे, 1, 2, 3, 4, 5, तो हम लोगों ने यहाँ पे बॉक्स में 5 राइट करना है। 2, 2 के 5 कॉइन्स होंगे तब हमारे पास 10 रुपीज़ का एक नोट बनेगा। अब नेक्स्ट पेज पर देखें टू एक्सचेंज फॉर रुपीज़ 20। अब हमने इसको 20 में चेंज करना, हम कितने रुपीज़ के कॉइन सर्कल करेंगे कि हमारे पास 20 बने। 1, 2, 5, 5, 10, 10 में 5 ऐड किया 15, 15 में ऐड किया 20, तो हम लोग 4 कॉइन्स को सर्कल करेंगे। 4 कॉइन्स को सर्कल करेंगे तब हमारे पास 20 बनेगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 राइट करना है। अब नंबर सी पर देखिए, वो कह रही टू एक्सचेंज फॉर रुपी 50। अब हमने 50 कंप्लीट करना है, तो हम 10 के कितने नोट को सर्कल करेंगे कि हमारे पास 50 बने। 10, 10, 20, 30, 40, 50, हमने कितने सर्कल किए, 1, 2, 3, 4, 5। 10 के 5 नोट होंगे तब जाके हमारे पास एक 50 का नोट कंप्लीट होगा। अब देखें पेज नंबर 132 पे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फिल इन दी ब्लैंक विद दी करेक्ट नंबर ऑफ कॉइन्स एंड नोट डैट मेक अप दी गिवन अमाउंट। आपको अमाउंट दी गई है, अब वो कह रहे हैं कि 5 के कितने कॉइन्स लेंगे और 1 के कितने कॉइन्स लेंगे कि आपके पास 26 बने। तो आपने 5 के देखने पहले 5, 5, 10, 10 में ऐड किया 15, 15 में ऐड किया 20। अब 20 में आपने एक और ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 में अभी हमने 26 बनाना है, तो एक कॉइन हम लोग लेंगे 1 का, तो हमारे पास टोटल हो जाएंगे 26। 1, 2, 3, 4, 5, हमने 5 के 5 कॉइन्स लिए और 1 का हमने लिया 1 कॉइन, तब जाके हमारे पास 26 कंप्लीट हुआ। अब हमने 87 बनाना है, वो कह रहे हैं 10 के नोट लेने हैं, 5 के कॉइन्स लेने हैं, 1 के नोट लेने हैं, तो 10 के हम लोग 80 नोट लेंगे तब हमारे पास बनेंगे 80। 10 के 8 नोट लेंगे तो हमारे पास 80 बनेगा, तो 8 लिख दिए। 5 के कितने कॉइन्स लेंगे, 80 में 5 ऐड किया 85, हमने 1.5 का लिया और इसमें 2 कॉइन्स हमने 1-1 के डाले, तो 80 में 5 का कॉइन ऐड किया 85, 85 में 2 के 1-1 के 2 के कॉइन्स ऐड किए तो हमारे पास बना 87। 131 पे आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1, आपको 2 का कॉइन दिया गया तो आपने इसे 2 रुपी के साथ मैच करना है। 5 का कॉइन है तो आपने 5 के साथ मैच करना है। आपको कॉइन्स और नोट दिए गए हैं, आपने उसके साथ जितना भी टैग लगा हुआ है आपने उसको उसके साथ मैच करना है।